नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना में पूरे भारत के लिए महिला और पुरुषों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी भर्ती जो है निकाल दी है। इसके ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 30 दिसंबर जो है लास्ट डेट रखी गई है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या सैलरी आपको मिलेगी, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, बगल में दिख रहे हैं घंटी के आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास इंडियन एयरफोर्स द्वारा निकाली गई भर्ती का ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, जिसमें दोस्तों पूरे भारत से महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो पोस्ट है इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की है यानी FCAT की है। अगर बात करूँ दोस्तों टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेज में पोस्ट निकाली गई हैं। ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों आपके 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट 30 दिसंबर रखी गई है। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें ब्रांचेज की तो FCAT एंट्री में दोस्तों फ्लाइंग ब्रांच रहेगी आपकी, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल रहेगी। दोस्तों वैकेंसी जो है अलग अलग है, जैसे कि फ्लाइंग ब्रांच में आपकी टोटल शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 60 है, उसके बाद दोस्तों आपकी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में भी अलग अलग पोस्ट हैं। उसके बाद NCC स्पेशल एंट्री फ्लाइंग में दोस्तों यहां पर जो है फ्लाइंग एंट्री रखी गई है, NCC स्पेशल एंट्री। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बताया हुआ है कि जो वैकेंसी है ये टेंटेटिव है, अगर इन्हें ज़्यादा एलिजिबल कैंडिडेट मिलते हैं तो ये वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दो तरह का कमीशन रहेगा, एक तो परमानेंट कमीशन रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए, उसके बाद दूसरा रहेगा शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन एंड वुमेन दोनों के लिए। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें एज लिमिट की, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं तो एज दोस्तों 20 से 24 साल रखी गई है, जो कि 1 जनवरी 2021 से मान्य होगी। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 2 जनवरी 1997 या फिर 1 जनवरी 2001 या फिर इस के बीच की होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेज के लिए जो एज है वो 20 से लेकर 26 साल रखी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो फिजिकल मेडिकल है या फिर क्वालिफिकेशन है वो आपकी जो है वेबसाइट पर दी हुई है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो ट्रेनिंग है जनवरी 2021 में स्टार्ट होगी, आपको जो रैंक मिलेगी दोस्तों फ्लाइंग ऑफिसर की मिलेगी, जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 56,100 और मैक्सिमम सैलरी दोस्तों यहाँ पर 1,10,700 लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों 55,500 का आपको मिलिट्री सर्विस पे भी मिलेगा और अदर अलाउंसेज में मिलेंगे और आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कि आपको आर्म्ड फोर्सेज में मिलती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया हुआ कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो 250 रुपये रहेगी, फ़ीस स्ट्रक्चर आपका 250 रुपये रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग एंट्री के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों BTech वाले भी जिन्होंने BTech कर रखी है या फिर इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है, BE कर रखी है, वो भी एलिजिबल हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ MSc और BSc वाले भी एलिजिबल हैं। डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें अदर डिटेल की, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने सारी बातें बता दी हैं कि आपकी जो फीस है वो 250 रुपये रखी गई है, जिसे आप ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हों तो ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। 1 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 30 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई है। ऑफिसर रैंक की भर्ती है दोस्तों, डायरेक्टली आप इंडियन एयरफोर्स में एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।